अनुभव को भी तरजीह दी जाए। I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Rajkumar Verka as Cabinet Minister Punjab. मैं राजकुमार वेरका ईश्वर की सहुं चुकदा सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करता कि मैं भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए और कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता बरकरार रखूंगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों को वफादारी शुद्ध अंत करन नाल निभावांगा अते मैं पै अते पक्षपात स्नेह या दुष्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान अते कानून की अनुशासन विच न्याय करांगा। मैं राजकुमार वेरका ईश्वर की सहुं खांदा सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करदा हाँ कि जो मामला राज दे कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार भी अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञात होएगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों ना सिवाय उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों के ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे या सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। राजकुमार वेरका ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। आपको बता दें फिल्म में भी काम कर चुके हैं, पंजाब में कांग्रेस का दलित चेहरा है और आते ही आप सब ने देखा कि किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह में जो लाइनें लिखी होती हैं उससे इतर जाकर उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का भी यहां पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान और फिर आगे उन्होंने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कांग्रेस पार्टी का ये दलित चेहरा है, अमृतसर वे इससे चुनकर आए हैं, 2012 जीते, 17 जीते और आपको ये भी बताते चले कि ये वाइस चेयरमैन रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के और अब इस दलित चेहरे के जरिए चूंकि खुद एक दलित मुख्यमंत्री वहां पर पंजाब में दिया है। 32% पंजाब में दलितों की आबादी है, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है पंजाब के जब कोई दलित मुख्यमंत्री बना हो और यकीनन अपने इस समुदाय को साधने की कोशिश चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से। राजकुमार वेरका जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है, 20 मार्च 1963 को अमृतसर में इनका जन्म हुआ था और नाउ आई रिक्वेस्ट 2007 संगत सिंह जी टू कम अप ऑन स्टेज एंड टेक ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी एज कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब। रिक्वेस्ट ऑनरेबल गवर्नर टू एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू श्री संगत सिंह जी एज कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब। मैं संगत सिंह गिलजियां ईश्वर की सहुं चकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा सब भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता अखंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों वफादारी शुद्ध अंतरंग नाल निभावांगा। मैं भय जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान के कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं संगत सिंह गिलजियां ईश्वर की सहुं चकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जां मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति जां व्यक्तियों नूं सवाए उसके अजिहे कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों नूं ठीक निभाउण अते अजिहा करन लोड़ींदा होवे मैं सीधे जां असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। संगत सिंह गिलजियान ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है, कैप्टन के धुर विरोधी रहे हैं, अभी पंजाब के उरमांझ से विधायक हैं संगत सिंह गिलजियान, तीसरी बार 2017 में विधायक चुने गए हैं उरमांझ से विधायक, 2017 में पहली बार वो जीते, 15 फरवरी 1952 को जन्मे और आपको ये भी बताते चले कि शिरोमणि अकाली दल के अपने प्रतिद्वंदी अरबिंदर सिंह रसूलपुर को 14,954 वोट से हराकर वो विधानसभा पहुंचे और उन पर ये अहम जिम्मेदारी, कैप्टन के विरोधियों को भी चुन चुनकर जगह दी गई है, कैप्टन के करीबियों को भी चुन चुनकर जगह दी गई है और इस तरह से तालमेल बिठाने की कोशिश
ताकि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से हाथ के पंजे को मजबूत कर सके 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में, जहां पर 6 महीने के भीतर ही बिगुल बज जाएगा चुनाव का और उसी की ये तैयारी कांग्रेस पार्टी। आई रिक्वेस्ट श्री परगट सिंह टू कम अप ऑन स्टेज एंड टेक ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी एज कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब। रिक्वेस्ट ऑनरेबल गवर्नर टू एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू श्री परगट सिंह एज कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब। मैं परगट सिंह ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखागा, कि मैं भारतीय प्रभुता और अखंडता बरकरार रखागा, कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्य वफादारी और शुद्ध अंतरकरण निभावगा, मैं भय जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं प्रगट सिंह ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जा मैनू ज्ञात होगा, वो किसी व्यक्ति जां व्यक्तियां नूं सिवाए उस दे के अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्य दे ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे, मैं सीधे जां असिधे तौर ते ना दसांगा ना प्रगट करांगा। प्रगट सिंह वर्तमान में जालंधर कैंट से विधायक, पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में, 1996 में अटलांटा ओलंपिक में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस में एसपी के रूप में भी कार्यभार ये संभाल चुके हैं और प्लेइंग पोजीशन डिफेंडर रहे हैं भारतीय हॉकी टीम के। और 5 दिन पहले, सबसे दिलचस्प तो ये है कि 5 दिन पहले ही कांग्रेस के महासचिव बनाए गए हैं पंजाब में। 2012 जीते, 2017 जीते और जालंधर कैंट से इस तरह से विधायक चुने गए। पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रगट सिंह ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। पंजाब पुलिस में भी काम कर चुके हैं, यानी कि उसका भी इनको अच्छा खासा अनुभव है। प्रगट सिंह राज्यपाल से मुलाकात to come up on stage and take oath of office and secrecy as cabinet minister Punjab।